नमस्कार दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सर, हम ना एनजीओ बना रहे हैं और हमारी एनजीओ की जो सक्सेस है ना, वहाँ के एक वीआईपी लोग हैं या वहाँ के जो मुखिया हैं उनके सहयोग से हमारी एनजीओ बहुत चल रही है, बहुत शानदार चल रही है। पूरे गाँव में, पूरे एरिए में हम ये वर्किंग कर रहे हैं और उनका बड़ा सहयोग है। तो सर, लेकिन उनकी ये डिमांड है, या उनकी डिमांड नहीं बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम उन्हें अपनी एनजीओ में ले आएँ, जिससे उनका सपोर्ट ज़्यादा मिले, उनका सहयोग ज़्यादा मिले, उन्हें भी अच्छा लगे। और कुछ लोगों को आदत भी होती है कि भाई मुझे सबसे बढ़िया पद चाहिए और मैं ये पद चाहता हूँ और मुझे इस एनजीओ में ये चाहिए, तभी मैं वर्क करूँगा, तभी मैं आपकी हेल्प करूँगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपके साथ हो सकती हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताऊँगा, अगर आपको किसी व्यक्ति को बहुत वैल्यू देनी है, एक्सपेक्ट करते हो, उसे मुखिया भी बनाना चाहते हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है या कहीं कंट्रोल इसके हाथ में ना आ जाए। पैसा हमने लगाया, मेहनत हमने करी, वर्किंग हमने करी, स्टाफ हमने रखा, एफर्ट हमने करे, और ऐसे कैसे हम अपना मैनेजमेंट इनके हाथ में कैसे दे दें? तो एक आपके मन में ये डर रहता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कंक्लूजन के रूप में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि हाँ सर, ऐसा होता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताना, हाँ सर, ये वाला डर रहता है। अगर आप अपनी एनजीओ की वर्किंग में, आपकी एनजीओ बहुत अच्छी चल रही है, किसी व्यक्ति को बहुत वैल्यू देना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उसे वोटिंग राइट नहीं देना चाहते, साथ साथ उस पर मैनेजमेंट उसके हाथ में हो, हमें उनकी डायरेक्शन फॉलो करनी पड़े, लेकिन उन्हें पूरी रेस्पेक्ट भी मिल जाए, तो क्या सोल्यूशन है? क्या ऐसा है आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए और काम भी चल जाए? हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। दोस्तों, आपको उस व्यक्ति के लिए पूरी रेस्पेक्ट के साथ, अगर वो आपके एनजीओ को प्रमोट कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, उसके आपके एनजीओ की सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड है, आप उसे पैट्रोन बना सकते हैं। पैट्रोन यानी कि मुख्य संरक्षक। इसमें उनका यानी कि ये हमारे, हम इनके मार्गदर्शन पर ये सारा का सारा काम कर रहे हैं और उन्हें वोटिंग राइट उसमें नहीं होता, ओनरशिप नहीं होती, लेकिन आप उसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे पैट्रोन जो है हमारे ट्रस्ट के या हमारी सोसाइटी के, वो ये हैं मिस्टर एबीसी, जो भी व्हाटएवर उनका नाम हो। और जब भी आप कोई फंक्शन करें तो उन्हें पैट्रोन के द्वारा इंट्रोड्यूस करें, तो उन्हें भी बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी कि पैट्रोन जो होता है वो मुख्य संरक्षण होता है हमारे आपके ट्रस्ट का या एनजीओ का, और एक बहुत बड़ा पद होता है, और उससे उनका वोटिंग राइट भी क्रिएट नहीं होता। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा करके आप किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, जिससे वो खुश हो जाएगा, उसे रेस्पेक्ट भी लगेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके राइट भी हाथ से नहीं जाएगा, आपका मैनेजमेंट भी आपके हाथ से नहीं जाएगा, और आप भी खुश रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत वैल्यूएबल थी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस पर, बहुत सारे क्वेरीज आती हैं, तो मैंने आपसे भी शेयर करा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, यूनिक टॉपिक के साथ।